Hello, welcome back once again in microcontrollers and application practical session. Now today we are going to see the practical number 12 of this subject. It is given in your manual, interface 7 segment display to display the decimal number from 0 to 9. So in this experiment we have to interface 7 segment display with 8051 microcontroller in order to display the digits 0 to 9 on 7 segment display, as well as we are going to see some more characters also to display in 7 segment display. So first we are going to understand what do you mean by 7 segment display. सबसे पहले तो हम लोग यह अंडरस्टैंड करेंगे कि 7 segment display क्या होता है. तो यहाँ पे मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड में आपको जैसा कि दिख रहा होगा, 7 segment display में यूज अ लाइट इमिटिंग डायोड फॉर ईच सेगमेंट और अदर लाइट जनरेटिंग और कंट्रोलिंग टेक्निक सच एज कोल्ड कैथोड, गैस डिस्चार्ज, वैक्यूम फ्लोरोसेंट, इनकैंडिसेंट फिलामेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ एलईडी बेस्ड 7 सेगमेंट डिस्प्ले. तो नॉर्मली जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है वो क्या यूज से बनता है? मेनली वो यूज होता है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड. उसकी जो हर एक सेगमेंट होती है वो एक एक्चुअली में लाइट इमिटिंग डायोड होती है. जब भी लाइट वो कंडक्ट करती है, फॉरवर्ड बायस होती है तो लाइट इमिट करती है. तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो 7 सेगमेंट यूज होते हैं वो एक्चुअली 7 सेगमेंट जो है वो नथिंग बट लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं. इसके भी दो टाइप्स है. द टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर ऑफ टू टाइप्स, कॉमन कैथोड डिस्प्ले, कॉमन एनोड डिस्प्ले, जिसमें सारे सेगमेंट्स के अगर एनोड को कनेक्ट करके एक कॉमन देंगे तो उसको कॉमन एनोड बोलते हैं, और जिसके सारे सेगमेंट्स के कैथोड को कनेक्ट करेंगे तो उसको कॉमन कैथोड डिस्प्ले बोलते हैं. तो दिस इज द 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो हम लोग को इंटरफेस करना है अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में. तो एक्चुअल में आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो इस तरीके से दिखता है. ये 7 सेगमेंट्स के थ्रू आप डिजिट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, 0 टू 9 वगैरह डिस्प्ले कर सकते हो, या अल्फाबेट्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स का यूज़ करके आप डिस्प्ले कर सकते हो. और ये जो आपको एक्चुअल डायग्राम दिख रहा है तो उसका पिन डायग्राम किस तरीके से होता है, तो ऊपर नीचे बीच की जो मिडल होती है वो कॉमन टाइप की होती है, कॉमन होती है, और यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है कौन सा ए सेगमेंट का पिन है, कौन सा बी सेगमेंट का पिन है, कौन सा सी सेगमेंट का पिन है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है. तो ए से लेके आपका जी तक का सारे सेगमेंट्स होते हैं, 7 सेगमेंट्स होते हैं, और एक सेगमेंट जो होता है वो डॉट का भी होता है. अगर डेसिमल नंबर वैल्यू आपको डिस्प्ले करना होता है तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉट का भी एक आपको मार्क दिखाई देगा. तो टोटल 7 सेगमेंट होते हैं और विथ डॉट भी होता है. तो कॉमन एनोड में क्या होता है? कॉमन एनोड में जिस तरीके से आपको पता है ये 7 सेगमेंट जो है वो ईच सेगमेंट एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है. तो डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है. तो अगर सारे सेगमेंट के एनोड को कनेक्ट कर दें और एक साथ एक वीसीसी दें तो उसको बोलते हैं कॉमन एनोड. और इसी तरीके से सारे सेगमेंट के कैथोड को एक साथ कनेक्ट करके एक कॉमन ग्राउंड दे दें तो उसको बोलते हैं कॉमन कैथोड. तो कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले होता है, कॉमन कैथोड टाइप का डिस्प्ले होता है. तो जब आप कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले यूज़ करते हो तो उसके सारे के एनोड एक साथ कनेक्ट होके एक कॉमन वीसीसी दिया जाता है. तो जो भी सेगमेंट को ऑन करना होगा उसके लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा? जीरो देना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा. तो जो सेगमेंट का जीरो कर दोगे वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो एलईडी सेगमेंट ऑन हो जाएगा. तो कॉमन एनोड टाइप में जो सेगमेंट को आपको ऑन करना है उसके लिए लॉजिक जीरो देना पड़ता है, और कॉमन कैथोड टाइप में जो सेगमेंट को ऑन करना होता है उसके लिए आपको लॉजिक वन देना पड़ता है, वीसीसी देना पड़ता है. तो ये डिस्प्ले होता है, ये डिफरेंस होता है आपके कॉमन एनोड टाइप के डिस्प्ले में, कॉमन कैथोड टाइप के डिस्प्ले में. तो कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले होगा तो उसका कॉमन जो है वो वीसीसी को कनेक्ट किया जाएगा, और जो सेगमेंट को ऑन करना है उसके लिए आपको लॉजिक जीरो देना पड़ेगा. और कॉमन कैथोड टाइप के डिस्प्ले में जो कॉमन होगा उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो सेगमेंट को ऑन करना है उसको लॉजिक वन देना पड़ेगा, वीसीसी देना पड़ेगा. तो ये नॉलेज ये आपको रहना चाहिए, ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए. अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैरेक्टर्स को, जो डिजिट को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो किस तरीके से डिजिट आपका डिस्प्ले होगा, कौन सा सेगमेंट ऑन होगा, कौन सा सेगमेंट ऑफ रहेगा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आपको पता है 7 सेगमेंट जो होते हैं तो उसमें ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट होता है वो ए सेगमेंट होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी सेगमेंट होता है, ये ई होता है, ये एफ होता है, और मिडल वाला जी सेगमेंट होता है, और बाजू में जो डॉट होता है वो डॉट वाला सेगमेंट होता है.
तो इस तरीके से ये सेगमेंट्स के नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये ए बी सी डी ई एफ और जी। तो जो डिजिट आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कौन कौन सा सेगमेंट ऑन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीरो डिजिट को डिस्प्ले कराना है तो आपका मिडल वाला सेगमेंट ऑफ होके बाकी सब ऑन होना चाहिए। तो मिडल वाला सेगमेंट कौन सा है आपका, जी। तो जी सेगमेंट खाली क्या होगा आपका, ऑफ होगा, बाकी सारे सेगमेंट ए से लेके आपका एफ तक का ऑन होगा। और डॉट वाला आपको नहीं डिस्प्ले कराना है तो उसको भी ऑफ रखो। तो अगर आपका कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले है तो कॉमन एनोड टाइप के डिस्प्ले के लिए आपको जैसा कि पता है सारे सेगमेंट को ऑन होना जरूरी है सिवाय जी और डॉट को छोड़ के। तो जो सेगमेंट को ऑन करना है तो कॉमन एनोड टाइप के डिस्प्ले में उसमें लॉजिक जीरो देना पड़ता है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा होगा ए वाला सेगमेंट, बी वाला सेगमेंट, सी वाला सेगमेंट, डी वाला सेगमेंट, ई वाला सेगमेंट, एफ वाला सेगमेंट, सब जीरो हो दिया हुआ है ताकि वो ऑन हो जाए। ऑफ कौन सा है आपका, जी सेगमेंट ऑफ है और डॉट वाला सेगमेंट ऑफ है। तो अगर आप ध्यान से इसका कोड वर्ड देखोगे तो आपका कोड क्या जनरेट हो रहा है, 1100। तो 1100 बाइनरी का हेक्साडेसिमल का होता है सी, और बाकी सब जीरो वो हेक्साडेसिमल का होता है जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन एनोड टाइप के डिस्प्ले में अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे C0H कोड भेजा जाए तो कौन सा सेगमेंट ऑन होगा, कौन सा डिजिट ऑन होगा, कौन सा डिजिट डिस्प्ले होगा, जीरो डिजिट डिस्प्ले होगा। तो अगर आप जीरो डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले है, तो उसके लिए आपको कौन सा कोड भेजना पड़ेगा, 0C0। तो जीरो तो आपको पता है वो कोडिंग में आपको आगे जब ये अल्फाबेट यूज होता है तो उसके आगे जीरो डालना पड़ता है। तो मेन कोड आपका क्या है, C0H। तो C0H भेज के आप जीरो डिजिट को डिस्प्ले करा दो। उसी तरीके से अगर 1 डिजिट को डिस्प्ले करना है तो खाली 2 ही सेगमेंट को ऑन करना है, बी और सी, बाकी सब ऑफ रहेगा। तो बी और सी वाला आपका सेगमेंट खाली ऑन है तो बी और सी पे आपने लॉजिक जीरो दिया हुआ है, बाकी सब पे लॉजिक 1 है। तो उसका जो कोड बन रहा है चारों 1 का कोड बनता है एफ, और 1001 का बनता है 9। तो इसके लिए आपको F9 भेजना पड़ेगा 1 को डिस्प्ले कराने के लिए। इसी तरीके से 2 को डिस्प्ले कराने के लिए ये कोड बनेगा, 3 को ये कोड बनेगा, 4 के लिए ये कोड बनेगा। तो ये आपके सामने सारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो डिजिट डिस्प्ले कराना है वो आपको दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कौन सा डिजिट ऑन करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा सेगमेंट ऑन करना पड़ता है, कौन सा ऑफ करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ये कॉमन एनोड टाइप का कोड भेजना पड़ता है। तो कॉमन एनोड टाइप का जो कोड जनरेट होता है जो डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए, तो अगर डिजिट 9 डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको कोड क्या भेजना पड़ेगा, 90H भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट के लिए, कौन सा डिजिट आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कौन सा कोड भेजना पड़ेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो ये प्रॉपरली आपको आई होप समझ में आया होगा। तो कॉमन एनोड टाइप के डिस्प्ले में जो सेगमेंट को ऑन करना है उसके लिए लॉजिक जीरो भेजना पड़ता है। अगर यही चीज़ कॉमन कैथोड टाइप का होता तो कॉमन कैथोड टाइप में जो जीरो है वो 1 होता, जो 1 है वो 0 होता। तो कॉमन कैथोड में जो सेगमेंट को ऑन करना होगा उसके लिए लॉजिक 1 देना पड़ेगा, और जो सेगमेंट को ऑफ रखना है उसके लिए लॉजिक 0 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसका कोड जनरेट होगा। फिलहाल हमको हमारे एक्सपेरिमेंट में अभी कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले यूज करना है, तो उसके हिसाब से कोड यहाँ पे दिखाया हुआ है और वही कोड हम लोग भेजेंगे अपने प्रोग्रामिंग में इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने इंटरफेसिंग डायग्राम। तो इंटरफेसिंग डायग्राम आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में भी, इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है और ये 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है। तो आप कौन से पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हो, पोर्ट 1 से कनेक्ट कर रहे हो, तो पोर्ट 1 की जो पूरी 8 बिट्स है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ए बी सी से लेके एच तक का कनेक्ट किया हुआ है। एच यहाँ पे डॉट के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो एच जो सेगमेंट है वो डॉट वाला है। तो यहाँ पे आप जो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहे हो, बीच में एक रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो करंट को लिमिट करने के लिए, तो रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो 330 ओम हो या 560 ओम हो। तो यहाँ पे आप रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो बीच में माइक्रो कंट्रोलर और 805 अपना 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बीच में, माइक्रो कंट्रोलर 8051 और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बीच में आप क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप रजिस्टर का यूज़ कर रहे हो। तो सिंपली आपको पोर्ट की हर पिन से 7 सेगमेंट के डिस्प्ले से इंटरफेस कर देना है। और ये कौन सा टाइप का है, कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले है, तो कॉमन वाला प्लस VCC यानी VCC पे कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट पे। अगर कॉमन कैथोड टाइप का होता तो यही कॉमन ग्राउंड पे कनेक्ट किया होता। तो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसलिए कॉमन जो है वो कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, प्लस VCC 5 वोल्ट पे। इसके अलावा इंटरफेसिंग डायग्राम में और कुछ नहीं है, आपको पता है ये माइक्रो कंट्रोलर पिन का VCC है, ये ग्राउंड है,
ये क्रिस्टल कनेक्ट करने के लिए, और ये आपका रीसेट सर्किट है। तो वेरी सिंपल इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बहुत आसान है इंटरफेसिंग डायग्राम। अब जो आपका मेन जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रोटीएस सिमुलेशन का इंटरफेसिंग देख रहे हैं, तो ये प्रोटीएस सिमुलेशन का डायग्राम है, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर 889C51 का डायग्राम, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आपका कॉमन एनोड टाइप का है, तो आपको देख लेना है कॉमन एनोड टाइप का आपका ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको प्रोटीएस में मिल जाएगा। तो इसका कॉमन जो है वो VCC पे कनेक्ट किया हुआ है, पावर पे कनेक्ट किया हुआ है, और जितने भी सेगमेंट्स की जो पिन है वो इस पोर्ट 1 की पिन से कनेक्टेड है थ्रू रजिस्टर। तो यहाँ पे जो रजिस्टर इस्तेमाल हुआ है वो कितने ओम का इस्तेमाल हुआ है, 330 ओम का। तो 8 रजिस्टर यूज़ किए ताकि 8 सेगमेंट होते हैं, यानी 7 सेगमेंट, 1 डॉट, 1 डॉट को पकड़ के, तो ये पोर्ट 1 की सारी 8 पिन्स कनेक्ट की हुई है ये 8 7 सेगमेंट की पिन से। तो 8 7 सेगमेंट की पिन्स कनेक्ट की हुई है पोर्ट 1 की 8 पिन से विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर ऑफ 330 ओम। तो सिंपल इंटरफेसिंग डायग्राम है। अब हम लोग को इसका प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज द प्रोग्राम। तो इसका प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से कोडिंग होता है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से ORG 000H, मूव पोर्ट 1 को मैच 00H, क्योंकि आप 7 सेगमेंट को कौन से पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 1 से, तो पोर्ट 1 को आउटपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो पोर्ट 1 को आपने आउटपुट पोर्ट बनाया है बाय सेंडिंग 00 टू द पोर्ट 1, तो पोर्ट 1 की सारी पिंस अभी आउटपुट पिंस के जैसा काम करेगी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मूव R2 #10, तो आप 10 डिजिट को डिस्प्ले कराना चाहते हो 0 to 9, तो 10 डिजिट है तो उस 10 डिजिट का 10 काउंटर हो गया, कोड मेमोरी में 10 कोड लिखे हुए होंगे, तो उसके लिए 10 का काउंटर आप इस्तेमाल कर रहे हो। मूव R2 #10, तो ये जो R2 रजिस्टर है काउंटर के जैसा इस्तेमाल हो रहा है, इन ऑर्डर टू काउंट 10 कोड्स फॉर सेंडिंग टू डिस्प्ले द डिजिट 0 to 9। फिर इसके बाद आप मूव DPTR #table, तो DPTR को आप लोड करो इमीजिएटली टेबल से, तो आपका टेबल क्या है वो कोड मेमोरी जहाँ पे आपके 10 डिजिट आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो टेबल ये कोड मेमोरी है डिफाइंड बाय डायरेक्टिव यूज हुई है, जिसमें सारे डिजिट के कोड्स लिखे हुए, 0C0 नंबर डिजिट 0 डिस्प्ले कराने के लिए कोड है, फिर 0F9 डिजिट 1 डिस्प्ले कराने का कोड है, इसी तरीके से लास्ट जो डिजिट 9 डिस्प्ले कराना चाहते हो उसका कोड क्या है, 90H। तो ये कोड मेमोरी में आपका सारा कोड्स लिखा हुआ है, डेसिमल 0 to 9 डिस्प्ले कराने के लिए उसका हेक्स कोड लिखा हुआ है। तो DPTR लोड हो रहा है इमीजिएटली किससे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से जहाँ पे कोड मेमोरी स्टोर किया हुआ है। तो कोड मेमोरी कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे, 200H। तो DPTR इमीजिएटली लोड हो जाएगा किससे, 200H से लोड हो जाएगा। तो 200H से लोड हो गया, क्लियर एक्यूमलेटर, एक्यूमलेटर को आपने क्लियर किया, फिर मूव CA@A+DPTR, तो ये कोड मेमोरी का कंटेंट कॉपी हो रहा है एक्यूमलेटर प्लस DPTR के मेमोरी लोकेशन का ऐड होके, तो एक्यूमलेटर में 0 है, DPTR का मेमोरी लोकेशन 200H है, तो 200+0 200 हो गया। अब 200 में जो कंटेंट है वो कॉपी हो रहा है, कॉपी होके कहाँ पे आ रहा है, एक्यूमलेटर में। तो 200H कोड मेमोरी का जो कंटेंट है वो कॉपी होके कहाँ पे आ रहा है, एक्यूमलेटर में। तो 200H में जो कंटेंट है कोड मेमोरी का वो 0C0H है, तो फर्स्ट कोड वो कॉपी होके आ गया आपका कहाँ पे, एक्यूमलेटर में आ गया। अब आप उसको एक्यूमलेटर से कहाँ पे भेज रहे हो, पोर्ट 1 पे, तो मूव Port1, A, मतलब एक्यूमलेटर का कंटेंट पोर्ट 1 में जा रहा है। तो पोर्ट 1 में आपने भेज दिए, फिर डिले को कॉल किए, थोड़ा टाइम के लिए आपने रुके, यानी डिजिट 1 डिस्प्ले कराए, आप थोड़े टाइम के लिए रुके, इंक्रीमेंट DPTR, अब DPTR को इंक्रीमेंट किए, तो 200 से 201 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट जो कोड आपको भेजना है उसके लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा DPTR को। DJNZ काउंटर को डिक्रीमेंट किए, एक का काउंट हो गया, अब एक से आपने डिक्रीमेंट किए, क्या वो जीरो हुआ, गया जीरो नहीं हुआ तो दोबारा ये सारा काम करे, तो आपने वापस से जंप किया अब, क्योंकि वो जीरो नहीं हुआ था। एक्यूमलेटर को खाली किया आपने, जो पुराना कंटेंट था वो एक्यूमलेटर से उसको खाली किया, मूव CA@A+DPTR, अब न्यू कोड के डेटा से कॉपी होगा, तो नेक्स्ट DPTR पॉइंट कर रहा है 201, तो 201 में जो आपका कंटेंट है वो कॉपी होके आएगा एक्यूमलेटर में। अब एक्यूमलेटर से आपने उसको पोर्ट 1 पे भेजा, तो अब नेक्स्ट आपका जो डिजिट है वो 1 डिस्प्ले होगा, बिकॉज अब नेक्स्ट पोर्ट जो आ रहा है पोर्ट 1 पे वो क्या आ रहा है, F9 आ रहा है। तो पोर्ट 1 पे F9 आ रहा है, यानी वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले तक पहुंच रहा है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे अब डिजिट 1 डिस्प्ले होगा। फिर डिले दिया आपने, फिर इंक्रीमेंट किया DPTR को नेक्स्ट कोड भेजने के लिए, फिर डिक्रीमेंट किया काउंटर को, क्या जीरो हुआ, नहीं हुआ तो वापस से जाएगा, तो जब तक आपका 10 पूरा कोड ट्रांसफर नहीं होता तो काउंटर डिक्रीमेंट होके जीरो नहीं होगा, तो काउंटर जब तक जीरो नहीं होगा जब तक आपका पूरा 10 कोड ये ट्रांसफर नहीं हो जाता, डिजिट
नाइन तक का डिस्प्ले नहीं होता। तो जब लास्ट डिजिट आपका डिस्प्ले हो जाएगा तब ये आपका काउंटर डिक्रीमेंट होकर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा शॉर्ट जंप रिपीट, तो आप दोबारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो वापस से काउंटर को 10 से, यानी कंटिन्यूसली आप 0 to 9 डिजिट को डिस्प्ले करा रहे हो। तो शॉर्ट जंप रिपीट यानी दोबारा आप वापस से काउंटर को इनिशियलाइज कर दोगे 10 से, फिर ये सारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। शॉर्ट जंप रिपीट लिख के आप ये प्रोग्राम को कंटिन्यूसली कर रहे हो। तो आई होप आप लोग को ये जो प्रोग्राम मैनुअल का दिया हुआ था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आते हैं किल सॉफ्टवेयर में, तो किल सॉफ्टवेयर में मैंने वही प्रोग्राम लिखा हुआ है जो आपके मैनुअल में दिया हुआ था। तो काउंटर जो है वो 10 का है और कोड मेमोरी में आप 10 कोड, ये ध्यान से रखना ये आपका डिफाइंड बाइट में एक ही साथ लाइन में होना चाहिए, जैसा मैनुअल में पार्ट में दिया हो तो एरर देगा। यू हैव टू राइट दिस डिफाइंड बाइट डायरेक्टिव्स कोड इन अ सिंगल लाइन ओनली। तो सिंगल लाइन में 10 कोड आपका लिखा हुआ होना चाहिए। तो 200H कोड मेमोरी में आपने डिफाइंड बाइट डायरेक्टिव का यूज़ करके सारे 10 कोड लिखे हैं जो डिस्प्ले कराना है आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। यहाँ पे ये डिले प्रोग्राम है, मैंने आपके मेन प्रोग्राम में बताया नहीं था शायद डिले, तो एक और डिले यूजिंग रजिस्टर है। तो आप कुछ भी काउंट वैल्यू दे सकते हो, अपने हिसाब से डिले दे सकते हो। अगर आपको डिले बढ़ाना है और थोड़ा डिस्प्ले आपको ठहर ठहर के दिखाना है तो यहाँ पे काउंट वैल्यू को इंक्रीज कर देना तो आपका डिले बढ़ जाएगा। तो ये डिले यूजिंग रजिस्टर है, सब रूटीन है ये डिले सब रूटीन। तो जो मैंने मेन प्रोग्राम में शायद बताना भूल गया था, तो ये डिले सब रूटीन है जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है यूजिंग रजिस्टर। तो आइए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो मुझे पुराना प्रोग्राम पहले रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, रिमूव प्रीवियस प्रोग्राम। अभी मुझे अपना ये पर्टिकुलर ये प्रोग्राम को अभी क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल करना पड़ेगा। तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके आप अपना PR12.asm को मैं ऐड करूँगा, क्लोज कर दूंगा, सेव, ट्रांसलेट, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, बिल्ड, रिबिल्ड। तो इसकी हेक्स फाइल भी आपकी क्या हो गई, जनरेट हो गई। अब मुझे अपने प्रोटीज सिमुलेशन में जाना है, तो प्रोटीज सिमुलेशन में मैं ओपन करूँगा, आपको दिखाऊँगा किस तरीके से। तो ये प्रोटीज सिमुलेशन डायग्राम है मेरा, पहले आपको ये समझा देता हूँ प्रोटीज सिमुलेशन डायग्राम जो आपको वहाँ पे समझाया था मैनुअल में। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका माइक्रो कंट्रोलर 8089C51, बीच में आपका रजिस्टर यूज हुआ है, पोर्ट 1 की सारी पिंस को कनेक्ट किया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। तो कौन सा 7 सेगमेंट टाइप का डिस्प्ले है आप देख सकते हो, 7 सेगमेंट MPX1CA यानी कॉमन एनोड टाइप का है। तो कॉमन एनोड टाइप का आपका ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो ये आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है प्रोटीएस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सारी पिंस को आपने पोर्ट 1 के थ्रू पोर्ट 1 से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, हर रजिस्टर की वैल्यू 330 ओम किया हुआ है, सेट किया हुआ है। ये कॉमन पिन को आपने VCC पे दे दिए क्योंकि कॉमन एनोड टाइप का है, तो कॉमन एनोड टाइप का है तो ये VCC पे कनेक्ट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम की हेक्स फाइल लोड करना है यहाँ पे, तो प्रोग्राम की हेक्स फाइल लोड करूँगा। तो प्रोग्राम की हेक्स फाइल जो मैंने वही नाम से सेव किया हुआ है ARKP.hex, ओके। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यू आर एबल टू सी डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो आपको फास्ट जो नज़र आ रहा है वो बिकॉज ऑफ डिले सब रूटीन, तो डिले सब रूटीन जो है वो डिले कम है इसलिए आपको ये फास्ट चेंज नज़र आ रहा है, और ये कंटिन्यूसली अपना ये काम करता रहेगा, डेसिमल डिजिट 0 to 9 डिस्प्ले करता रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा डिले बढ़ा देना है तो आप काउंट वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो आपका डिले बढ़ जाएगा, तो डिले बढ़ के आपको थोड़ा और स्लो में आपको चेंजेस नज़र आएगा, स्लो में चेंजेस ऑब्जर्व होगा। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम जो आपके मैनुअल में दिया था, ये प्रोटीएस का सिमुलेशन सॉफ्ट डायग्राम यूज़ किया हम लोग ने, प्रोटीएस में सिमुलेट करके देख रहे हैं, तो इट्स वर्किंग वेल। तो जो आपका प्रोग्राम मैनुअल में दिया हुआ था इट इज़ वर्किंग वेल, इट इज़ एबल टू डिस्प्ले द डिजिट्स 0 to 9 प्रॉपरली एंड कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली आपका डिजिट 0 to 9 डिस्प्ले होता रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट में क्या दिया हुआ है। तो जो एक्चुअल सर्किट आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके पेपर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो अगर क्वेश्चन आएगा, इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम बनाना है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम आप बनाओगे और पोर्ट 1 की सारी पिन से कनेक्ट कर दोगे आप ये सारे सेगमेंट से, ABCDEFG और लास्ट में .DP को भी कनेक्ट कर दोगे। कॉमन एनोड टाइप का है तो इससे प्लस VCC रहेगा, प्लस 5 वोल्ट रहेगा। अगर कॉमन कैथोड रहता तो यही कॉमन पिन ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ होता। बाकी आपको सारे पिन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इंटरफेसिंग डायग्राम था, ये प्रोग्राम जो मैनुअल का दिया हुआ था। अब देखना है हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट में क्या दिया हुआ है।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट में दिया हुआ है, डेवलप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ ऑन कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। तो आपको अल्फाबेट्स ए टू एफ डिस्प्ले करना है कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो अभी इससे पहले आपको जो प्रोग्राम दिया हुआ था वो डिजिट 0 टू 9 डिस्प्ले कर रहे थे, अब आपको अल्फाबेट्स डिस्प्ले करना है ए बी सी डी ई। तो बहुत सिंपल है, आपको जो डिजिट को ऑन करना है, जो सेगमेंट को ऑन करना है, उसके हिसाब से आपको कोड जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप अल्फाबेट ए डिस्प्ले कराना चाहते हो, अल्फाबेट ए डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो अल्फाबेट ए डिस्प्ले कराने के लिए उसके लिए क्या कोड भेजना पड़ेगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है, ये मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट वाला। तो यहाँ पे जो कोड मेमोरी यूज होती है तो अकॉर्डिंगली आपको वो कोड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कोड में चेंजेस किया हुआ है, 88H भेजा है पहले, फिर 83, फिर C6, फिर A1, फिर 86, फिर 8E। तो ये जो 6 कोड भेजा हुआ है ये किस लिए भेजा हुआ है, टू डिस्प्ले द डिजिट्स ए टू एफ। तो कैपिटल लेटर ए टू एफ, अल्फाबेट्स ए टू एफ डिस्प्ले कराने के लिए आपको ये कोड्स भेजना पड़ेगा सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो ये कोड्स आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको अगर डेसिमल अपना डिजिट ए डिस्प्ले करना है तो डिजिट ए डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा सेगमेंट ऑफ रहेगा, अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आपको कोड मालूम करना पड़ेगा, वो कोड आप भेजोगे तो आपका डिजिट डिस्प्ले होगा। तो ये मैंने कोड को पहले फाइंड आउट किया, डिजिट ए डिस्प्ले करने के लिए क्या कोड जनरेट होता है, डिजिट बी डिस्प्ले करने के लिए या अल्फाबेट बी डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या कोड भेजना पड़ेगा वो आपको मालूम करना पड़ेगा। पहले वो टेबल जो आपको दिया हुआ था वो टेबल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको सिर्फ अल्फाबेट ए टू एफ भेजना है तो सिर्फ 6 byte ही भेजना है, तो 6 byte के हिसाब से 6 का काउंटर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे R2 में जो आपके प्रोग्राम में 10 था वहाँ पे मैंने 6 कर दिया है, तो R2 6 का काउंटर बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, खाली आपको ये कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फाबेट ए टू एफ डिस्प्ले कराने के लिए क्या कोड जनरेट होता है कॉमन एनोड टाइप में, वो मालूम करना पड़ेगा। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, तो यही प्रोग्राम में मैंने लिखा है, आपके प्रोग्राम में दिखाऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट वाला ये प्रोग्राम है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा मैंने 6 कोड भेजा है, 1 2 3 4 5 6। पहला 88 आपका अल्फाबेट ए डिस्प्ले करने के लिए, 83 अल्फाबेट बी डिस्प्ले करने के लिए, 0C6 अल्फाबेट सी डिस्प्ले करने के लिए, अल्फाबेट डी डिस्प्ले करने के लिए A1, अल्फाबेट ई डिस्प्ले करने के लिए 86, अल्फाबेट एफ डिस्प्ले करने के लिए 8E। तो ये चीज़ आप खुद से भी मालूम कर सकते हो, आप वो टेबल को देखना जो आपको टेबल कोड जनरेशन वाला था, तो उसमें आपको जो अल्फाबेट डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंगली कौन सा सेगमेंट ऑन होगा उसके लिए लॉजिक 0 देना पड़ेगा, जो ऑफ रहेगा उसके लिए लॉजिक 1 रखना पड़ेगा, और कोड को फाइंड आउट कर लेना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, मैं ये बोल रहा था आप ये डिले सब रूटीन में अगर आप काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हो तो आपको डिजिट थोड़ा रुक रुक के नज़र आएंगे, डिस्प्ले होने में चेंजेस जो है वो थोड़ा रुक रुक के नज़र आएगा क्योंकि डिले बढ़ा देते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस कर रहा हूँ, डिले थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, रजिस्टर R4 बीच वाला उसमें काउंट की वैल्यू 200 कर रहा हूँ 100 के बदले। और काउंटर देखो मैंने यहाँ पे 6 से इनिशियलाइज किया क्योंकि मुझे 6 ही कोड भेजना है, तो इसके लिए काउंटर को 6 से इनिशियलाइज किया है, 10 के बदले में 6 कर दिया है। तो पुराना वाला प्रोग्राम को मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव प्रोग्राम, न्यू अभी का प्रोग्राम मैं जोड़ देता हूँ, एड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके, एड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके आप न्यू कोड को ले सकते हो, कोड चेंज कर दो। तो आप कोड चेंज कर दोगे तो न्यू एग्जिस्टिंग फाइल में जाके आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला जो प्रोग्राम है PR12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको ऐड कर दो और फिर सेव कर दो, ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड। तो न्यू एक्सपोर्ट फाइल आपकी जनरेट हो गई, तो न्यू एक्सपोर्ट फाइल जनरेट हो गई तो आपको अभी प्रोटीएस में जाना पड़ेगा। तो प्रोटीएस सिमुलेशन में आप जाएंगे तो सेम सिमुलेशन में डायग्राम यूज़ करूँगा, सेम सिमुलेशन में मैं यहाँ पे आपके सामने वो न्यू जो अपनी फाइल एक्स फाइल जनरेट हुई है उसका इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी न्यू एक्स फाइल जो जनरेट हुई है वही सेम हेक्स कोड जनरेट करा वही नाम से उसको मैंने कर दिया, अभी यहाँ पे मैं रन करूँगा तो अल्फ़ाबेट ए आ गया, डिले बढ़ा दिया हूँ तो थोड़ा रुक के जा रहा है, अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट ई एंड अल्फ़ाबेट एफ।
और ये कंटिन्यूसली आपको करना है तो आप कंटिन्यूसली कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, आपके सामने मैंने सेम सिमुलेशन सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल किया हुआ है, खाली प्रोग्राम चेंज किया। जो प्रोग्राम अभी मैंने आपके सामने जो कोड भेजना पड़ता है वो कोड को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो प्रॉपरली जो आप कोड भेजोगे वो हिसाब से आपका डिजिट डिस्प्ले होगा। तो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एंड एफ इस तरीके से मैं डिस्प्ले करा पा रहा हूँ। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो इट इज़ अप टू यू, तो आपको क्या डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉपरली वो कोड को भेज सकते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो आपका ये प्रॉपरली डिस्प्ले होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। आई होप आप लोग को ये कोड का जो भेजने का पैटर्न है, जनरेशन है, वो समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से आप भेज सकते हो कोड को, आप समझ सकते हो। फिर अभी हम लोग को जाना है आगे क्या दिया हुआ है आपके मैनुअल में। तो ये चीज़ हम लोग ने अंडरस्टैंड कर ली है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या बोला था, कौन से मेमोरी लोकेशन पे कौन सा कोड है। तो ये प्रोग्राम जो मैनुअल का दिया हुआ था उसका कोड मेमोरी का क्या कोड है। तो 10 जो कोड आप भेज रहे हो तो कौन से मेमोरी लोकेशन पे क्या कोड होगा। तो 200 पे पहला डिजिट 0 का कोड होगा वो लिखना है, और लास्ट जो मेमोरी कोड है 209 उस पर लास्ट डिजिट जो 9 डिस्प्ले कर रहे तो उसका कोड होगा। तो ये आपको इस तरीके से देख के लिख लेना है। रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन वो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट द नंबर फॉर सीसी टाइप डिस्प्ले इन विच सेगमेंट ए इज एक्टिवेटेड। तो कॉमन कैथोड टाइप के डिस्प्ले के लिए अगर सेगमेंट ए को ऑन करना है तो उसके लिए क्या कोड भेजना पड़ेगा। तो सेगमेंट ए को ऑन करना है तो उस पर लॉजिक 1 देना पड़ेगा, बाकी सबको लॉजिक 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन कैथोड टाइप का डिस्प्ले। तो कॉमन कैथोड टाइप के डिस्प्ले में जो सेगमेंट को ऑन करना पड़ता है उसके लिए लॉजिक 1 देना पड़ता है। तो सेगमेंट ए को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए उसको लॉजिक 1 देना पड़ेगा, बाकी सबको लॉजिक 0 देना पड़ेगा। तो क्या कोड बन गया, तो ये आपका कोड बन गया 0 और ये कोड बन गया 101H। तो 01H आप कोड भेजोगे कॉमन कैथोड टाइप के डिस्प्ले में तो सेगमेंट ए आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था राइट स्टेप फॉर टेस्टिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को टेस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखो। तो ये स्टेप्स मैंने आपके सामने दिख रहा होगा लिखाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, यू आर एबल टू सी द स्टेप्स। तो ये स्टेप्स आपके सामने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, अगर वो फॉल्टी है कि नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारे स्टेप्स को आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट। आई होप यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी, या कोड जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू, ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वंस मोर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।